हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 15.1.4 अ लाइन ग्राफ। अ लाइन ग्राफ डिस्प्लेस डेटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम, राइट। तो लाइन ग्राफ जो है वो कंटिन्यूसली डेटा चेंज होता है ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम, ऐसा वो डिस्प्लेस करता है। लाइन ग्राफ क्या डिस्प्लेस करता है कि डेटा कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम चेंज होता है, टाइम पीरियड्स में चेंज होता रहता है, राइट। व्हेन रेमू फेल सिक, हर डॉक्टर मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ हर बॉडी टेम्परेचर टेकन एवरी 4 आवर्स, राइट। तो हर 4 घंटे में रेनू का रिकॉर्ड रखा डॉक्टर ने बॉडी टेम्परेचर का, ओके, जब वो बीमार हुई। इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ शोन इन फिगर। वी मे कॉल दिस अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ। तो टाइम 6 AM 37 डिग्री टेम्परेचर है, 10 AM को 14 डिग्री टेम्परेचर है, 2 PM को 38 डिग्री सेल्सियस, 6 PM को 35 डिग्री सेल्सियस। द हॉरिजॉन्टल लाइन यूजुअली कॉल्ड द एक्स एक्सिस शोज द टाइमिंग एट विच द टेम्परेचर्स वेर रिकॉर्डेड। वॉट आर लेबल ऑन द वर्टिकल लाइन यूजुअली कॉल्ड वाई एक्सिस, राइट। वाई एक्सिस को हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं, राइट। तो वहाँ पर क्या बताया है, तो टेम्परेचर वाई एक्सिस पर बताया गया है और टाइमिंग एक्स एक्सिस पर बताया गया है, राइट। तो ऊपर जो हमें टेबल में बताया गया है उसको हमें ग्राफ में बताना है। 6 AM को 37 डिग्री बताना है, तो यहाँ पर बताया गया 30 डिग्री से स्टार्ट किया, 30 से 42 तक, 36 और 38 के बीच में 38 आता है। देन 10 AM को 40 डिग्री है, तो 10 AM 40 डिग्री बराबर यहाँ पर बताया गया, ये 37 है, ये 40 डिग्री है। देन 2 PM को बराबर 4 घंटे के बाद 2 PM को 38 डिग्री है टेम्परेचर, राइट। फर्स्ट में 37 था, देन 6 PM को 35 डिग्री टेम्परेचर है, ओके। तो ये सबको हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन ग्राफ हमें मिलेगा, ओके। ईच पीस ऑफ डेटा इज शोन बाय अ पॉइंट ऑन द स्क्वायर ग्रिड। तो हर एक पीस ऑफ डेटा जो है उसको स्क्वायर ग्रिड पर पॉइंट से बताया गया है। द पॉइंट्स आर देन कनेक्टेड बाय लाइन सेगमेंट्स। उसके बाद पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट से कनेक्ट किया गया है। द रिजल्ट इज द लाइन ग्राफ, राइट। जो रिजल्ट मिला उसको हम बोलते हैं लाइन ग्राफ। व्हाट डू ऑल दिस ग्राफ टेल यू। तो ये सारे ग्राफ आपको क्या बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द पैटर्न ऑफ टेम्परेचर मोर एट 10 AM 10 बजे टेम्परेचर ज़्यादा है, राइट। एंड देन डिक्रीजिंग टिल 6 PM फिर 6 बजे तक टेम्परेचर कम होता रहता है, ओके। नोटिस दैट द टेम्परेचर इंक्रीज बाय 3 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 40 डिग्री माइनस 37 डिग्री, राइट। यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर 37 है, तो 3 डिग्री सेल्सियस, राइट। ड्यूरिंग द पीरियड 6 AM टू 10 AM देयर वॉज नो रिकॉर्डिंग ऑफ टेम्परेचर एट 8 AM, राइट। 8 AM को टेम्परेचर हमने मेजर नहीं किया था। हाउ एवर द ग्राफ सजेस्ट दैट इट वॉज मोर देन 37 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर बता रहा है कि 8 AM को टेम्परेचर यहाँ पर 37 है, राइट। 8 AM वाली लाइन ये है, तो 8 AM पर 37 से ज़्यादा है, 38 के अराउंड में है, राइट। तो ये ग्राफ से हमें पता चलता है। नाउ एग्जांपल नंबर 1, अ ग्राफ ऑन परफॉर्मेंस। द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द टोटल रन्स स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन ए एंड बी ड्यूरिंग ईच ऑफ द 10 डिफरेंट मैचेस इन द ईयर 2007। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द टू एक्सिस, राइट? टू एक्सिस पर क्या बताया गया है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर मैचेस बताए गए हैं और वाई एक्सिस पर रन स्कोर है वो बताया गया है. ओके, तो फर्स्ट का आंसर एक्स एक्सिस मैचेस, वाई एक्सिस रन स्कोर. द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस इंडिकेट्स द मैचेस प्लेड ड्यूरिंग द ईयर 2007. द वर्टिकल एक्सिस और वाई एक्सिस शोज द टोटल रन स्कोर्ड इन ईच मैच. विच लाइन शोज द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए? तो बैट्समैन ए जो करता है वो कौन सी लाइन बता रही है? तो यहाँ पर ग्राफ में बताया गया है कि बैट्समैन ए डॉटेड लाइन से है और डार्क लाइन जो है वो बैट्समैन बी की है. ओके, द डॉटेड लाइन शोज द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए. दिस इज ऑलरेडी इंडिकेटेड एट द टॉप ऑफ द ग्राफ, राइट? देन वेयर द रन स्कोर्ड बाय देम सेम इन एनी मैच इन 2007, इफ सो इन विच मैच. बराबर, दोनों के इक्वल रन कहाँ पर हुए थे? तो यहाँ पर बताया गया है कि इक्वल कहीं पर हो रहे हैं, राइट? एक तो यहाँ पर हो रहे हैं. ओके, तो लिख रहे हैं हम इसका आंसर. ड्यूरिंग द फोर्थ मैच बोथ हैव स्कोर द सेम नंबर ऑफ 60 रन्स, राइट? फोर्थ मैच में दोनों के 60 रन्स हुए थे. ओके, यहाँ पर बताया गया ये 60 रन्स है फोर्थ मैच. ओके, तो मैचेस यहाँ पर लिखे फर्स्ट मैच, देन सेकंड मैच, थर्ड मैच एंड ये फोर्थ मैच. तो फोर्थ मैच में दोनों के रन्स इक्वल हैं. ओके, दिस इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट एट विच बोथ ग्राफ्स मीट, राइट? दोनों ग्राफ यहाँ पर मिल रहे हैं तो ये पॉइंट से बताया गया है. ओके, बैट्समैन ए हैज वन ग्रेट पीक बट मैनी डीप वैलीज, राइट? बैट्समैन ए जो है, क्या लिखा है? बैट्समैन ए हैज़ वन ग्रेट पीक, बराबर, एक ग्रेट पीक है लेकिन बहुत सारी फिर वैलीज हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि ये वैली है, ये वैली है, तो बहुत ही डीप वैलीज है बैट्समैन ए को. ओके, ही डज नॉट अपीयर टू बी कंसिस्टेंट, बराबर, तो वो कंसिस्टेंट नहीं है, कभी बहुत ऊपर जाता है, कभी बहुत नीचे आ रहा है. बी ऑन द अदर हैंड हैज नेवर स्कोर्ड बिलो टोटल ऑफ 40 रन्स, तो बी ने कभी भी 40 रन से कम नहीं किए. ओके, यहाँ पर बताया है 40 रन से कम बी के नहीं है. ओके, यहाँ पर बताया बाकी सब तो उसके ऊपर ही है. ओके, इवन दो हिज हाइट हाईएस्ट स्कोर इज ओनली 100 इन कंपेरिजन टू 115 ऑफ ए, राइट? तो उसके हाईएस्ट रन तो 100 ही है, बराबर, बैट्समैन बी के, जबकि बैट्समैन ए को हम देखते हैं तो 110 से ज़्यादा है, राइट? मतलब वो बैट्समैन बी के 40 से कम नहीं है और 100 से ऊपर नहीं है, और बैट्समैन ए के 110 से ऊपर है, मतलब 115 है, लेकिन बहुत ही वैलीज हैं, बराबर, तो वो कंसिस्टेंट नहीं है. ओके, ऑल्सो ए हैज़ स्कोर्ड अ 0 इन 2 मैचेस, राइट? तो ए का स्कोर 2 मैचेस में 0 भी है. ओके, तो ये बताया गया है ग्राफ में. एंड इन टोटल ऑफ 5 मैचेस ही हैज स्कोर्ड लेस देन 40 रन्स, राइट? 5 मैचेस में उसके 40 से कम है, बराबर. यहाँ पर हम देखेंगे 40 से कम कौन कौन सी मैचेस में है. यहाँ पर है, यहाँ पर है, ओके, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ओके, और यहाँ पर भी 40 से कम है. तो 5 बार उसके 40 से कम है बैट्समैन ए के. सिंस ए हैज़ अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बी इज़ मोर कंसिस्टेंट एंड रिलायबल बैट्समैन, राइट? तो ए को सब बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन है, इसलिए बी इज़ मोर कंसिस्टेंट एंड रिलायबल बैट्समैन,
राइट. तो ए इज नॉट रिलायबल, दो ही हैज स्कोर्ड हाईएस्ट रन, मोर रन, राइट, 115 उसने रन बनाए तो भी वो कंसिस्टेंट नहीं है, जबकि बी ने 100 बनाया है और 40 से कम नहीं है, इसलिए वो कंसिस्टेंट है. ओके, देन एग्जांपल टू वी विल डू नेक्स्ट टाइम.